जब कोई एनिमे शुरू होता है, अगर वो एनिमे अच्छा होता है, आई मीन उसकी स्टोरी और एनिमेशन ठीक ठाक होती है, तो हर एक एनिमे फैन यही सोचता है कि इस एनिमे को यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए, इसका सीक्वल जरूर आना चाहिए। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कुछ चुनिंदा एनिमे सीक्वल्स जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और जब वो एयर किए जाएंगे तो पूरा इंटरनेट हिल जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मॉब साइको 100 सीजन 3, इसकी रिलीज डेट 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर से इसे स्ट्रीम किया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ये एनिमे एक साइकिक पावर बेस्ड एनिमे है जिसका मॉब एक मेन कैरेक्टर है जो कि स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का है और उसके पास साइकिक पावर्स हैं। स्कूल के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है जिसे एक्सॉर्सिज्म कहते हैं, यानी वो भूतों का इलाज करता है। इस जबरदस्त एनिमे सीरीज का आने वाला ये सीक्वल भी जबरदस्त होगा। IMDb ने भी इसे रेटिंग में 8.6 आउट ऑफ 10 दी है। क्रंची रोल पर 4.8 आउट ऑफ 5 एंड माय एनिमे लिस्ट पर है ये 8.5 आउट ऑफ 10। इस एनिमे के लिए भी लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं और अब जाकर ये वेट खत्म होने को है। वन पंच मैन सीजन 3। वन पंच मैन के सीजन 1 की ह्यूज सक्सेस के बाद सीजन 2 आया। सीजन 2 की एंडिंग से फैंस बड़े ही डिसअपॉइंट हुए थे, बिकॉज एटलीस्ट सीजन 1 जैसी एंडिंग तो देते। एंड नाउ वी हैव सीजन 3 ओनली एन अनाउंसमेंट। जी हाँ, वन पंच मैन की सीजन 3 की अनाउंसमेंट ही हुई है अभी ऑफिशियली, बट कोई कंफर्म डेट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये 2023 में ही देखने को मिलेगा। और अब मुझे लगता नहीं है वन पंच मैन की स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। वन पंच मैन सुनते ही आप समझ भी गए होंगे, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो। एक ऐसा सुपर हीरो जो एक ही पंच में दुश्मन का काम तमाम कर देता है। इसके अलावा इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है, और भी ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके बारे में घंटों तक बातें करी जा सकती हैं। बट वन पंच मैन का म्यूजिक और जो OSTs हैं वो इस एनिमे को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं, खासकर ये वाला। वन पंच मैन एक ऐसी दुनिया पे बेस्ड है जहाँ पे सुपर हीरोज और नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं, एंड सुपर हीरोज को रैंक वाइज कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो फुल ऑफ हीरोज से भरी हुई है। और अब इसका सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है, तो मुझे लगता है जब ये रिलीज होगा इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा। ये क्या बात करता है यार। डीमन स्लेयर सीजन 3, इस बात की तो कंफर्मेशन हो गई है, ये सीजन जरूर आएगा, बट कंफर्म डेट नहीं है। अब 2023 के एंड में मान सकती हो कि ये आ सकता है। सीजन 3 की जो स्टोरी होने वाली है जॉर्ज स्मिथ विलेज आर्क पर होने वाली है। तो बेसिकली जहां से एनिमे एंड हुआ है वहीं से उसकी स्टोरी भी स्टार्ट होगी। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस एनिमे की स्टोरी क्या है। एनिमे के सीजन 1 के बाद इन्फिनिटी ट्रेन मूवी की ह्यूज सक्सेस के बाद इसका सीजन 2 आया। सीजन 2 ने भी फैंस को हिलाकर रख दिया, और जो सीजन 3 होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक इस एनिमे का लेवल बढ़ ही रहा है हर चीज में, स्टोरी से लेकर एनिमेशन में भी। और इसके साथ ही अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि सीजन 3 इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और जब सीजन 3 रिलीज होगा वो भी इंटरनेट ब्रेक करके रख देगा। केंगेन आशुरा सीजन 3, इसके सीजन 1 और 2 के रिलीज होते ही जो इस एनिमे ने धूम मचाई थी वो हम सभी को मालूम ही है। ये एक फाइटिंग एनिमे है। अगर आप कोई एक्शन से भरपूर एनिमे को ढूंढ रहे हैं तो आप इस एनिमे को देख सकते हैं। अभी तक इसके 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और 2023 में सीजन 3 आने वाला है। एग्जैक्ट डिटेल अभी कंफर्म नहीं है, बट यस ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है सीजन 3 की। इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस टाइप की है। बड़ी बड़ी कंपनीज के बॉस अंडरग्राउंड टूर्नामेंट्स रखते हैं जिसमें हर एक कंपनी अपने अपने प्लेयर को उतारती है, और जहाँ वो पूरी कंपनी दांव पे लगी होती है बस उस एक प्लेयर के ऊपर। और इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट ओमा टुकीटा, जिसे लगता है उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, जो इस टूर्नामेंट में एंटर होता है। टूर्नामेंट बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस टूर्नामेंट में ओमा टुकीटा से भी ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स हैं, और यही बात इस एनिमे को इंटरेस्टिंग बनाती है कि कैसे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट इन सब से लड़ के आगे बढ़ पाएगा। और मुझे लगता है जब यह एनिमे रिलीज होगा ये भी कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाला है। बाकी हानमा सन ऑफ ओग्रे सीजन 2। बाकी हानमा, ये एनिमे मैंने ऐसे ही मजे में देख लिया था जब मेरे को कोई और एनिमे देखने को नहीं मिल रहा था, और इस एनिमे को पूरी तरह खत्म करने के बाद मैं कब से इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहा हूँ जो कि 2023 में है। इस एनिमे में आपको देखने को मिलेगा एक्शन, ड्रामा, स्पोर्ट, थ्रिलर। सीधी भाषा में कहें तो ये बॉडी बिल्डिंग फाइटिंग टाइप एनिमे है जिसकी फाइटिंग में थ्रिलिंग टाइप की वाइब आती है। और मुझे पता है अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आपको इसके सीजन 2 का भी इंतजार जरूर होगा। अगर नहीं देखा तो किस बात का इंतजार है, जाकर देखो। और जब ये
2023 में रिलीज होगा तो ये आग लगा देगा इंटरनेट पे। इस वीडियो में मेरे को और भी एनिमे ऐड करने थे बट उसके लिए काफी देर हो चुकी है क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक अपलोड होगी। और MHA सीजन 6, Spy X Family सेकंड पार्ट, ये सब अक्टूबर 1 से ही रिलीज होने वाले हैं, तो हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक वो एयर भी होना स्टार्ट हो चुकी हो। सो दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आप लोगों को जरा भी मजा आया वीडियो में तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिल जाऊंगा आपको फालतू टाइम में इंस्टाग्राम पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। और कॉमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना आपको कौन से एनिमे का इंतजार है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।